भाजपा की है देश में और आरोप कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस के अधीन तो कुछ नहीं है, जनता चुनती है नेता, नेता एमएलए बनाती है, एमपी बनाती है, एमपी और एमएलए मिलके चुनते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जो है जजों की नियुक्ति करते हैं, तो सारा पावर तो राष्ट्रपति से लेकर के और एमएलए भाग पे कब्जा भारतीय जनता पार्टी का है। और जो कांग्रेस की तरफ बताया जा रहा है, ये अनवरत प्रक्रिया है, ये सब सिर्फ दिमाग भटकाने की बात है। अब रोज तो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, रोज भी सिपाही मारे जा रहे हैं, सीमा पे बॉर्डर पर लड़ने वाले लोग रोज मारे जा रहे हैं। अब चूंकि प्रधानमंत्री देश के हैं या प्रदेश के हैं, और तो अब ये तो उनकी तारीफ करेंगे ही, लेकिन पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण में जो बंटवारे के लिए अति पिछड़ा सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट आई है उसको लागू करने की भी चिंता होनी चाहिए। हो सकता है महेंद्र नाथ पांडे को ही हटाने की तैयारी चल रही हो। पार्टी के बड़े नेता को ओम प्रकाश राजभर पच नहीं रहे। हम तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी लड़ाई हिंदुत्व की है। हिंदू हम तो कहने के लिए हिंदू हैं, जब तक चुनाव रहता है तब तक हिंदू रहते हैं, जब हिस्सा देने की बात आती है तो फिर हमको हिंदू नहीं बनाया जाता है,